जैसा आप देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल एस के क्रिकेट एंड एंटरटेनमेंट, आप देख रहे हैं मेरे इस चैनल के ज़रिए इंशाल्लाह मैं आपको बहुत ज़्यादा एंटरटेनमेंट करवाने वाला हूं, क्योंकि मैं बड़ी लेटेस्ट खबरें लेके आपकी खिदमत में हाजिर होता हूं। बात करने जा रहे हैं, थोड़े से हम बात करते हैं पाकिस्तान का टेस्ट ओवर, जो कि अब पाकिस्तान की टीम ट्रैवल कर चुकी है, पाकिस्तान से निकल चुकी है, और अब जाके अब देखते हैं कि थोड़ा सा उसके ऊपर भी बात करते हैं आगे जाके अब, और साथ में बात करते हैं इमाद वसीम के हवाले से बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है उसके ऊपर बात करते हैं, और फिर हम एट दी एंड बात करते हैं जाके शान मसूद के ऊपर भी, उनके ऊपर भी अपडेट निकल के सामने आ रही है, और इंडिया का स्क्वाड अनाउंस कर दिया गया साउथ अफ्रीका के लिए, उसके ऊपर भी आपको अपडेट करते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और पहली दफ़ा आए हैं तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचती रहे। हम बात करेंगे आगे जाके शदाब खान के ऊपर। शदाब खान चलें उनसे स्टार्ट कर लेते हैं। शदाब खान आपको पता है कि पाकिस्तान के एक्साइटिंग टैलेंट, जिस तरह के वो अपनी तेज़ जिसे कहेंगे या तेज़ दिमागी कह लें, तेज़ फील्डिंग, तेज़ बॉलिंग कह लें, बॉलिंग आजकल उनका बॉल ही सीम होता हुआ नज़र आ रहा है, और सीम कह रहा हूँ सॉरी स्विंग होता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि मैंने अभी जो उनका रिसेंटली जो विजुअल्स देखे हैं, जो उन्होंने ट्रेनिंग के साथ पाकिस्तान टेस्ट टीम के साथ वो जो ट्रेनिंग कर रहे थे, तो उनकी बॉल मूव होती नज़र आ रही थी, स्विंग होती नज़र आ रही थी, वो मैं बड़ा एक्साइटेड हुआ कि यार शुक्र है कि वर्ल्ड कप इस तरह गुजर गया, इसके अलावा एशिया कप ऐसे गुजर गया, आपका अब जाके बॉल स्विंग होना शुरू हुआ है, स्पिन होना शुरू हुआ है, तो मैं वो देख के बड़ा ज़्यादा एक्साइटेड हुआ और बड़ा खुश हुआ कि शुक्र है हमारा बॉलर भी दोबारा से वापस आना शुरू हुआ है, अपनी दोबारा रिदम में वापस आ रहा है। अब वो नेशनल T20 कप के साथ जुड़ चुके हैं, और बड़ी एक्साइटेड खबर ये है कि उनके हवाले से, जो अभी थोड़ी देर पहले जब मैं ये वीडियो करने लगा था तो तब ये मुझे खबर मिली कि शदाब खान को भी T10 लीग से, और इसके अलावा शदाब खान को BBL से, BBL से इनको खबर आई है कि ऑफ़र आई है ख़ास तौर पे कि आप हमारी टीम को ज्वाइन करें और आपको हम इतने ज़्यादा मिलियंस ऑफ डॉलर्स आपको पे किया जाएगा, तो उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया। उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट और डोमेस्टिक क्रिकेट को रिस्पेक्ट दिया, उन्होंने कहा कि मैं इसको खेलूँगा, अभी वो भी अपनी टीम को ज्वाइन कर चुके हैं, आपको पता है वो भी डोमेस्टिक में नेशनल T20 कप खेलने के लिए पहुँच चुके हैं, आज उनके विजुअल्स भी आए थे जब वो ट्रॉफी के साथ सारे कैप्टन अपनी तस्वीरें बनवा रहे थे, तो वो भी उनके साथ अटैच हो गए हैं। तो अब बड़ा एक्साइटेड न्यूज़ ये है कि उनके लिए तो ख़ास तौर पे कि अब उन्होंने तो रिफ्यूज़ कर दिया, और पहले आपको पता है कि अहमद शहजाद ने सुबह टाइम रिफ्यूज़ किया है, अब इनको इनकी खबर आ गई कि अब शदाब खान ने रिफ्यूज़ किया है, तो ये क्यों कर रहे हैं, वजह क्या बन रही है? अब हम थोड़ा सा इसके ऊपर बात कर लेते हैं कि वजह ये बन रही है कि आपका जो डोमेस्टिक स्ट्रक्चर है अब वो स्ट्रॉन्ग इतना ज़्यादा होने जा रहा है, क्योंकि वहाब रियाज साहब ने खुद जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आए थे तो उन्होंने कहा था कि मैं डोमेस्टिक में जाके लड़कों को लेके आऊँगा, और लड़कों को पता लग गया कि डोमेस्टिक के जो सारे प्रेफरेंस मिलनी है, हम डोमेस्टिक अगर खेलेंगे तो हमें प्रेफरेंस मिलेगी, अदरवाइज नीचे से डोमेस्टिक में से आप लड़का उठाओगे और आप उसको खिलाते जाओगे। इसके अलावा शायद ये भी वजह बन सकती है कि लड़कों ने अब डोमेस्टिक की तरफ ध्यान देना शुरू किया है, इसके अलावा कुछ रेस्ट भी हो सकती है कि वर्ल्ड कप इतना बड़ा टूर्नामेंट खेला है फिर उसके बाद आपने रेस्ट भी हो सकती है, साथ आप नेशनल T20 कप खेलेंगे उसके बाद आप रेस्ट करेंगे। उसके अलावा अगर हम दूसरी तरफ देखें इमाद वसीम को, उनको BBL की टीम जो आपको पता है उसामा मीर और जो आपके हारिस रऊफ हैं उनकी टीम ने इनको साइन किया, मेलबर्न स्टार्स ने इनको साइन करके, तो ये BBL के खेलने के लिए ये भी पहुंचेंगे, ये 25 दिसंबर से अवेलेबल होंगे, यानी कि आखिरी हफ्ते जो दिसंबर के है तब से अवेलेबल होंगे, और रेस्ट ऑफ द टूर्नामेंट जब ये टूर्नामेंट ख़त्म होगा तब तक ये टीम के साथ होंगे, होपफुली इनकी टीम भी फाइनल खेले तो तब तक भी ये अवेलेबल होंगे। तो ये इमाद वसीम अपने डोमेस्टिक को छोड़ के बाहर खेलने जा रहे हैं, और बाकी आप देख लें बाकी प्लेयर्स प्रेफरेंस दे रहे हैं अपने डोमेस्टिक को, तो ये सबसे बड़ी बात है कि अहमद शहजाद को दे लें, उनको टीवी कॉन्ट्रैक्ट्स मिल रहे थे जब वर्ल्ड कप चल रहा था कि आप टीवी पे बैठें बातें करें और करोड़ों रुपये लेके जाएं, लेकिन अहमद शहजाद ने कहा नहीं मैं डोमेस्टिक में जाऊँगा, मैं परफॉर्मेंस दूंगा, मैं दोबारा टीम में कम बैक करूँगा। शदाब खान देख लें, अब उनको बाहर से ऑफर्स आ रही हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं मैंने नहीं खेलना, मैंने अपने डोमेस्टिक को प्रेफरेंस करनी है और मैं डोमेस्टिक में जा खेलूँगा, उसके बाद जाके मैं अपनी टीम में जगह बनाने में कामयाब रहूँगा। तो यानी कि जगह तो उनकी पहले भी है, लेकिन अभी क्योंकि आपको पता है कि वर्ल्ड कप के बाद सारों की जगह इधर उधर डगमगा रही है, तो वो भी सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं कि इनको चाहिए कि आप जाके अब डोमेस्टिक खेल लें और अच्छे तरीके से परफॉर्मेंस करके दोबारा से पाकिस्तान टीम में अपनी जगह बनाएं, तो ये भी सारी चीज़ें बनती हुई नज़र आ रही हैं। इमाद वसीम मेलबर्न स्टार्स को करेंगे, अभी T10 खेलने के लिए अबू धाबी में मौजूद हैं ये भी,
उसके बाद ये अपनी उधर जाके लीग्स खेल लेंगे, बीबीएल में शामिल हो जाएंगे जाके। तो ये एक्साइटिंग जो मेजर न्यूज़ थी आप तक पहुँचानी ज़रूरी थी, ये मैंने आपको पहुँचा दी। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं पाकिस्तान का जो आगे अभी फ़िलहाल टूर है, ऑस्ट्रेलिया का टेस्ट टूर, पाकिस्तान 3 टेस्ट मैचेस खेलने के लिए आज सुबह यानी कि सुबह के टाइम रात गए लाहौर से दुबई, दुबई से सिडनी के लिए रवाना हो चुका है। अब टीम ऑलमोस्ट ट्रैवल में ही होगी, अभी कोई खबर नहीं आई उसके बारे में, टीम के बारे में कि अभी टीम कहाँ पहुँची है, क्योंकि दुबई पहुँची उसके बाद वहाँ से ट्रैवल करेंगे। अब आपको पता है कि लॉन्ग फ्लाइट है तो वहाँ पे अपनी फ़्लाइट में होगी अपनी टीम, सिडनी पहुँचेंगे कल सुबह, हो सकता है कल सुबह या शाम के टाइम ये पहुँचेंगे, क्योंकि काफ़ी लंबी ये फ़्लाइट होती है। उसके बाद जाके ये तकरीबन आपका 18-20 घंटे लग जाते हैं यहाँ से दुबई से आपको ऑस्ट्रेलिया जाते हुए। तो आपको ये जो टाइमिंग है उसमें हमारे जो कश्मकश अंदर ये है कि यार अब टीम वहाँ पहुँचेगी, क्या टेस्ट मैच खेलेगी, किस तरह क्या प्लेइंग 11 बनाएगी, प्लेइंग 11 इतनी अच्छी होगी कि हम ये ऑस्ट्रेलिया में जाकर उनको परेशान कर सकें। तो यानी कि इस तरह की चीज़ें जो हमारे जहन में आ रही हैं वो भी, क्योंकि मैंने सुबह जो आपको आपने मेरी वीडियो देखी होगी जो सुबह मैंने शॉर्ट्स डाली थी, मैं बाहर बैठा हुआ था कहीं पे किसी के ऑफिस में बैठा हुआ था, मैंने कहा चले यहाँ पर बैठ के एक शॉर्ट्स तो डालें, क्योंकि सुबह आज मैं वीडियो कर नहीं सका था, तो मैंने वो शॉर्ट एक बना के मैंने वो डाल दी था कि आप लोग अपडेटेड रह सकें। पाकिस्तान टीम ट्रैवल कर रही थी, सारे अपने जिसे कहेंगे ना हनीमून भी बनाने के लिए जा रहे हैं, इमामुल हक अपनी शादी हुई है उनकी भी, तो वो अपने वाइफ को साथ ले गए हैं ऑस्ट्रेलिया, पहला टूर ऑस्ट्रेलिया का उनको मिल गया तो वो ऑस्ट्रेलिया साथ ले गए हैं। हफीज़ साहब अपने वाइफ को साथ ले गए हैं, शाहीन अफरीदी अपने वाइफ को साथ ले गए हैं, और अकेला बाबर आजम वो अपना अकेला ही बैग उठा के वो भी साथ चल पड़ा। तो यानी कि काफ़ी ज़्यादा इंजॉयमेंट वहाँ पे चलेगी। आपको पता है वहाँ पे 3 टेस्ट मैच खेले और ऑलमोस्ट आपने 1 से 1.5 महीना आपने वहाँ पे रुकना है, तो आपने वहाँ पे घूमना फिरना भी है। तो इंशाल्लाह मैं हम तो ये चाहते हैं कि वो एक साइड पे वो आपकी अपनी पर्सनल लाइफ है, आप वहाँ पे इंजॉय करें, आप जहाँ मर्जी घूमें फिरें, हमें कोई सिर्फ क्रिकेट से मतलब है, हमें क्रिकेट अच्छी खेल के दें, बाकी जो मर्ज़ी करें आप वहाँ पे जाके घूमें फिरें इंजॉय करें। आपकी लाइफ आपको फैसिलिटेट करती है पीसीबी, तो आप जाके इंजॉय करें। आप अपने खर्चे भी करते हैं वो हमें पता है, लेकिन आप बाकी जो फैसिलिटेशन पीसीबी की तरफ से आपको मिलती है आप जाके इंजॉय करें, लेकिन हमें जो क्रिकेट का हमारा जो मेन मुद्दा है, हमें क्रिकेट वहाँ पे अच्छी खेलते हुए नजर आए, बस हमें ये चाहते हैं हमारी क्रिकेट का लेवल ऊपर जाए। शान मसूद के वाले से भी खबर है, शान मसूद आपको डी कैटेगरी में नज़र नहीं पाएंगे, वो भी बी कैटेगरी में उनको प्रमोट कर दिया गया, क्योंकि टेस्ट टीम के कैप्टन हैं, उनको बी कैटेगरी दे दी गई है। अब वो भी 35 लाख के करीब कोई सैलरी लेंगे अपने महीने की, तो उनकी भी कैटेगरी उनकी भी सुनी गई है, टेस्ट टीम के कैप्टन बने, अब उनकी कैटेगरी भी अपडेट हुई है, आज ही सुबह ये खबर आई थी। इसके अलावा अब इंडिया के, तो इंडिया के ऊपर थोड़े से आ जाते हैं, इंडिया के ऊपर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। इंडिया अपना टूर उन्होंने अनाउंस कर दिया है T20 और टेस्ट और ODIs के लिए, जो अपना साउथ अफ्रीका का उन्होंने टूर करना है इंडिया की टीम में, जिसमें आपके मेन जो बड़े प्लेयर हैं रोहित शर्मा वो टेस्ट में तो अवेलेबल होंगे, लेकिन उन्होंने अपने आप को ODIs और T20s में अपने आप को रेस्ट करवाया। अगर उनकी बात करें विराट कोहली ने, उन्होंने भी अपने आप को ODIs और साथ में T20s में रेस्ट करवाया, लेकिन टेस्ट टीम का हिस्सा है। तो ये थोड़ा सा मैं आपको इनकी तीनों फॉर्मेट की टीम भी पढ़ के सुना देता हूँ, जो कि इन्होंने अब टूर करना है साउथ अफ्रीका का। तो इसके ऊपर जो टेस्ट की टीम जो उन्होंने बनाई है, वो रोहित शर्मा कैप्टन होंगे, उनके साथ शुभमन गिल होंगे, जायसवाल होंगे, विराट कोहली होंगे, श्रियास अय्यर होंगे, ऋतुराज गायकवाड़ होंगे, ईशान किशन होंगे, KL राहुल होंगे, रविचंद्र अश्विन होंगे, रविंदर जडेजा होंगे, शार्दुल ठाकुर होंगे, मोहम्मद सिराज होंगे, मुकेश कुमार होंगे, मोहम्मद शामी होंगे, जसप्रीत बुमराह और साथ में आपके कृष्णा होंगे। तो ये इनका टेस्ट स्क्वाड है जिसमें आपके ये सारे मेन प्लेयर नज़र आएंगे, लेकिन मैं बड़ा यहाँ पे वरीड हूँ कि अजिंक्य रहाणे की जगह नहीं बनी, उनकी जगह पे श्रियास अय्यर को ऐड कर लिया गया, लेकिन अच्छी चॉइस है। अब थोड़ी आते हैं ODI की तरफ, तो गायकवाड़ फर्स्ट चॉइस होने चाहिए, और जिस तरह उनकी फॉर्म लगी है इस टाइम, गायकवाड़ हैं, फिर सुदर्शन है, तिलक वर्मा होंगे, राजद पतिधर हैं, उसके अलावा जो रिंकू सिंह है, श्रियास अय्यर हैं, KL राहुल कैप्टनसी कर रहे हैं ODIs में, उसके अलावा संजू सैमसन हैं, इनको भी फाइनली ODIs में जगह मिल गई है, अक्षर पटेल हैं, वाशिंगटन सुंदर हैं, कुलदीप यादव हैं, युविजेंद्र चहल हैं, मुकेश कुमार हैं, अवेश खान हैं, अर्शदीप सिंह हैं, दीपक चहर हैं। तो ये ODIs की टीम है। अब T20s के ऊपर बात कर लें तो जायसवाल हैं, उनके साथ शुभमन गिल हैं,
रुद्राज गायकवाड़ हैं, तिलक वर्मा है, सूर्य कुमार यादव कैप्टनसी करते हुए आपको दोबारा से नजर आएंगे, रिंकू सिंह है, श्रियास अय्यर हैं, ईशान किशन हैं, जितेश शर्मा है, रविंदर जडेजा होंगे, वाशडंग सुंदर होंगे, रवि बिश्नोई होंगे, कुलदीप यादव होंगे, अर्शदीप सिंह होंगे, मोहम्मद सिराज, मुकेश कुमार एंड दीपक चहर, ये आपकी T20s की टीम है। तो ये आपको आज की खबरें लेके आप खिदमत में हाजिर हुए थे। इंडिया ने भी अपना स्क्वाड अनाउंस कर दिया, पाकिस्तान टेस्ट स्क्वाड ऑस्ट्रेलिया के टूर पे अभी रस्ते में रवाना हुआ है, तो अभी बड़ी एक्साइटेड आगे निकल के आ रही हैं खबरें और बड़े अच्छे मैचेस निकल के सामने आ रहे हैं और सीरीज़ भी इतनी ज़्यादा एक्साइटेड होने वाली है कि बड़ा मज़ा आएगा ये सारा कवर करते हुए। तो आपने बस इस चैनल के साथ जुड़े रहना है, इंशाल्लाह हम आपके साथ इस तरह जुड़ते रहेंगे और बात करते रहेंगे। आपने भी नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करना है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से जल्दी लाइक शेयर और कमेंट्स कर दिया करें, और जिस भाई ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचती रहें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड गुड नाइट।